For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. रिस्पॉन्स अच्छा है। ओह थैंक गॉड, इसलिए मैं लेट आया हूँ कि मैं डर के आया हूँ कि अरे यार गाली ना दे मुझे। सच्ची अच्छा है, आप ऐसे तो नहीं कह रहे हो ना मुझे? आपको ढूंढ लूंगा मैं अगर ऐसे कह रहे हो। रियली चलो, दैट मेक्स मी थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर श्योर। Word of mouth matters. Yeah, of course. It any positive feedback is definitely a plus for a film to survive or do better. ये बहुत मुश्किल है यार मुझे आंसर करना है। हमारी कोशिश एज ए फिल्म मेकर तो ये रहती है ना कि उनको कहानी पसंद आए, परफॉर्मेंसेस पसंद आए, अगर नहीं भी पसंद है कुछ शायद कुछ चीज़ ट्रांसलेट होकर उनको कह दें कि चलो अच्छा कैमरा वर्क अच्छा था। वो तो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि क्या एक चीज़ शायद होगी। फिल्म मेकिंग जैसे मैंने कहा एक टीम एफर्ट होता है और होपफुली उनको सबका काम अच्छा लगा। यू नो मनु एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम, और वो कितना एक आर्टिस्ट के साथ एक बॉन्डिंग सब शेयर करते हैं आप? यू नो आपको रिएक्शन भी बड़े अच्छे मिलते हैं जब इन्वॉल्व शूटिंग और आपको पता होता है कौन कौन कैसे रिएक्ट करेगा। चलो समथिंग अबाउट, और हमारी वर्किंग रिलेशनशिप रही है काफ़ी देर से, वही लकी लकी वही के टाइम से। उससे पहले इनफैक्ट एक चालीस की लास्ट लोकल में भी उसने एक सीन किया था, और फिर वही लकी और एक और फिल्म हमने की है दी ऑड्स जिसमें हमारा इंटरेक्शन है नहीं। तो हाँ एक अच्छा रिलेशनशिप वर्किंग रिलेशनशिप बन गया मनु के साथ। आई थिंक वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और बहुत ही टैलेंटेड राइटर भी है। नाउ आई हैव गॉट फोर अदर फिल्म्स टू रिलीज दिस ईयर, JL50, द फील्ड, द ऑड्स एंड ईदु वेदलम सोलम कत्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म है वो उसका प्रीमियर है, प्रीमियर गए हैं या स्क्रीनिंग गए हैं? स्क्रीनिंग गए हैं, सब परिवार वालों ने, सब ऑफिस वालों ने, पूरे यूनिट ने जो मेहनत की होती है उनको एक बार फिल्म दिखानी चाहिए, तो वो एक स्क्रीनिंग है। कल हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है और 20 अप्रैल है कल, जिसमें नानू की जानू आ रही है। और हम लोगों ने, मनु भाई ने वो फिल्म लिखी है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म लिखी है। उसमें मैंने कोशिश की है कि अच्छे से उसे बनाऊं। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मैंने देख ली है, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। बस आपको अच्छी लगनी आपके जरिए जिन लोगों तक ये पहुँचे उन्हें प्लीज़ कल से आप फिल्म देखनी शुरू कर दीजिए और अपने लोगों को बताते रहिए, क्योंकि ये अच्छी फिल्म है। आबे देओल है, मैं एज एन एक्टर भी हूँ और फराज ने डायरेक्ट किया है। हम लोगों ने पहले ओए लकी लकी ओए जो फिल्म थी वो साथ में की थी, और इसलिए हम एक पावर एक एनर्जी दोबारा अच्छी वाली लेकर आए। वेरी गुड, या बिकॉज क्रिटिक्स दे प्ले अ ब्रिज बिटवीन आवर ऑडियंस एंड यू नो, so people listen to them, people read about the articles or the reviews and all, so I think it matters a lot when we get positive response. Yeah, we are happy. Yeah, bilkul, mera bhi yahi manna hai ki of course critics jo likhte hain film ke bare mein uska kafi log usko padhte hain aur uska asar bhi hota hai.
हालांकि पब्लिक जो है वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, जो कल हम पब्लिक के सामने अपनी फिल्म को पेश कर रहे हैं वो सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन हाँ, जो मीडिया थी, प्रेस ने अगर फिल्म देखी और पॉजिटिव रिस्पांस आया तो मुझे बहुत खुशी उसमें महसूस हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे उसी तरह पॉजिटिव रिस्पांस देगी जैसा कि मीडिया ने या प्रेस ने दिया। Yeah, she's very ajeebo gareeb in this film also. She's playing a Bhutanese character, yaar, which is a very challenging thing, if I'm not wrong. मतलब कौन करना चाहता है यार, तो उसके अंदर का जो चैलेंज है, जो इसका प्रोसेस है एक्टिंग का, एक्टिंग को लेकर, वो इसमें भी उभर के आएगा। और एक हल्की फुल्की डरावनी, हंसाने वाली और समझाने वाली फिल्म में एक मायने रखता है उसका एक कैरेक्टर जो है, और उसका अपना एक वजूद है इस फिल्म के अंदर, जो आई थिंक पीपल विल वांट टू एंजॉय इट। मैं और लिख ही रहा हूँ, मैं तो आई एम अ राइटर फर्स्ट देन एंड देन एन एक्टर। आई एंजॉय, आई थिंक आई एम अ राइटर एंड आई हैव अ प्रोसेस ऑफ एन एक्टर। आई यूज दैट एक्टर इंस्टिंक्ट ऑल्सो एंड वाइल एक्टिंग ऑल्सो आई यूज दैट पावर ऑफ अ राइटर, सो आई एंजॉय बोथ द थिंग। जी, नानू की जानू, बिल्कुल इसमें काफ़ी सारी USP मैं कहूँगा फिल्म के अंदर हैं। सबसे पहली तो ये है कि अभय ने इस फिल्म में बड़ा कमाल का डांस किया है, जो आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा। इस तरीके का रोल और इस तरीके का परफॉर्मेंस जो अभय का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे ऊपर एक बात मैं बोलूँगा, जो कहानी है फिल्म की बहुत ही खूबसूरत है और उसको बड़े ही खूबसूरती के साथ मनु भाई ने जो पिरोया है, जिस ह्यूमर के साथ हॉरर को प्रेजेंट किया है और साथ में एक मैसेज भी देने की कोशिश की है हम लोगों ने, तो मुझे लगता है कि फिल्म का ट्रीटमेंट ऐसा है कि बहुत रियल लगेगी आपको। सुंदर नैरेटिव, सुंदर नैरेटिव के वो रियल लगेगी। इट्स अ सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट, भूत की फिल्म है, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल नए तरीके से, नए अंदाज में शायद लोगों को पसंद आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। I'm not nervous because I watched the film. It's a very sweet, endearing film, and I'm happy that now it's out there. I hope the janta likes it and gives it lots of love. To play a bhoot nahi yaar. और एक एक्ट्रेस को कितना, मतलब कितने चांसेस मिलते हैं टू प्ले अ गोस्ट, तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। वेल नो, इट्स नॉट अ न्यू स्टार्ट। मैं इसको, आई जस्ट थॉट दैट इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, बहुत फनी है, और इससे पहले मैंने सिर्फ ड्रामा ही किया था, तो इट वॉज एन ऑपरचुनिटी दैट आई वुड डू समथिंग डिफरेंट टू बी इन अ हॉरर कॉमेडी। कमर्शियल जोन है,
कॉमेडी है तो आई एम एक्साइटेड. आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स. वेरी नाइस. ही इज सो डेडिकेटेड. ही इज सो फोकस्ड. एंड व्हाट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम हिम इज ही लव्स हिज वर्क यू नो एंड दैट्स व्हाई ही इज सो प्रोफेशनल. I don't know, it depends on, you know, if people accept me in this form, then why not? Of course, I'm an actor, I want to do everything. Thank you so much. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.